न्यूज़ देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं किरण यादव आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं के बारे में। शिवसेना का मुद्दा एक नाथ शिंदे और साथ ही साथ दावा किया जा रहा है कि हम ही असली शिवसैनिक है उद्धव ठाकरे की मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके पिता यानी कि बाला ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था और विरासत के तौर पर ठाकरे को ही शिवसेना मिलनी चाहिए दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे का दावा कर रहे हैं कि कि ठाकरे का जो जो एजेंडा था जो मोटो था मोटो उसको मैं आगे आगे कर कर रहा हूं यानी शिंदे हिंदुत्व वाली चीज को आगे कर रहे हैं इस तरीके से लगातार अभी बयान दिए जा रहे हैं आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूँ सबसे पहले मेरे साथ मेरी साथी साक्षी बनी हुई है आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको क्या लगता है कि शिवसेना की बागडोर किसके हाथ में जानी चाहिए देखिए काफी समय हो गया है और लगातार कई महीनों से कहे इस चीज़ की लगातार चीज़ को लेकर जो है विवाद देखने को मिल रहा है और लगातार आपसी जो विवाद है जो एक दूसरे पर लगातार आप कई ऐसे शब्दों से प्रहार कर रहे हैं कि किसकी शिवसेना होगी और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो बहुत अच्छे से समझती है कि अब तक शिवसेना को कौन ले चल रहा था और अब किस जो एक लड़ाई है आपसी विवाद है शिवसेना को लेकर कि आखिर किसकी होनी है तो सबसे पहले बात हर कोई जानता है कि उद्धव ठाकरे अब तक जिस तरह से इस पार्टी को चला रहे थे किस तरह वो चला रहे थे काफी लोग उस चीज को सहराते भी है लेकिन काफी लोग बताते भी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया है कि बाबा बाला साहेब ठाकरे की वो शिवसेना है हम उसको आगे बहुत अच्छे से तो, जो और, है, है आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे या फिर एक शिंदे बहुत कम शब्द देखिए यहाँ पर जिस तरह से अगर हम बात करें एक शिंदे की वो जिस तरह से कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व का बढ़ावा दे रहे हैं जो कि यहाँ उद्धव ठाकरे भी लेकर चल रहे थे वही चीज वो कह रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि हक यहां पर उद्धव ठाकरे का बनता है क्योंकि वो उस शिवसेना को लेकर चल रहे है। लेकिन अगर आप दावा करते हैं कि एक सच एक सच की ओर लेकर जाती है वो पार्टी तो उसके हाथ में जानी चाहिए इसकी बागडोर जो सच के साथ चलता हो जो सच के साथ चलता हो उसके हाथ में शिवसेना की बागडोर जानी चाहिए बात करती चलू मैं सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग और दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई हो चुकी है लेकिन हुआ क्या नतीजा एकदम जीरो आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई के बाद भी अभी तक भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है सभी की नजरें बनी हुई थी उनतीस नवंबर को लेकर कि शायद उनतीस नवंबर को कोई बड़ा फैसला हो सकता है लेकिन उनतीस नवंबर को भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब बारह दिसंबर को बड़ा फैसला आना है

मोदी जी का हाथ है उन पर बीजेपी की पूरी एक टीम है उनके साथ तो मुझे नहीं लगता है कि अकेले एक उद्धव ठाकरे अपनी सरकार और अपनी पार्टी बचा पाएंगे तो देखिए इनकी तरफ से यानी कि आमिर सर की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जिस तरीके से केंद्र का हाथ है एकनाथ शिंदे पर तो एकनाथ शिंदे के पक्ष में ही ये फैसला जाएगा लेकिन हम बात करते चले कपिल सिब्बल के बारे में कपिल सिब्बल लगातार अपनी तमाम याचिका दायर करते हैं और देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और जो जस्टिस है डी चंद्रचूड़ उनके सामने भी तमाम याचिकाएं दायर कर चुके हैं और अब मामला यहाँ पर ही फंसा पड़ा है कि आखिरकार डी चंद्रचूड़ किसके पक्ष में ये फैसला देंगे आपको क्या लगता है देखिए अभी कपिल सिब्बल हैं और वो तमाम ऐलानबाजी कर ही रहे थे लेकिन अब सी बन चुके हैं जस्टिस चंद्रचूड़ तो इस पांच जो कि बेंच की जो अध्यक्षता है वो कहीं ना कहीं अब हाथ में रहेगी संजीव नरूला की ऐसी खबरें थी बीच में लेकिन इसका आगे बढ़ाया जाए तो कपिल सिब्बल ने बातें कही थी कि जो दसवा अनुच्छेद है उसको ध्यान में रखा जाएगा दल बदल का जो कानून है वो यहाँ पर लागू होगा अगर कोई यहाँ पर गुट अपना खुद का नहीं बनाता अगर शिंदे गुट अपनी खुद की नई पार्टी नहीं बनाता लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से हर कोई हैरान था कि उनको एक अलग चुनाव चिन्ह दिया गया तो इससे साफ पता चल गया कि

सब हनन हो रहा है लोकतंत्र को जिस तरीके से ध्यान में रखकर नहीं फैसले लिए जा रहे इससे वो भी काफी आहत हुए थे तो कपिल सिब्बल भी इसमें कुछ नहीं कर सकते जैसा कि हमारे खास सहयोगी हाँ पर आमिर सर ने जिक्र किया था कि केंद्र सरकार है बीजेपी की सरकार है और अब तो डबल इंजन सरकार है क्योंकि बीजेपी और शिंदे का गठबंधन ही है अगर शिवसेना के साथ यहां पर जाता है चुनाव चिन्ह शिंदे के समक्ष तो तो ये बात तो साफ है कि शिवसेना और बीजेपी का ही गठबंधन होगा जो दो में बात की गई थी लेकिन बहुत मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए वापसी कर पाना और जब दिसंबर का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है इसी के दरमियान यहाँ पर जल्दी कार्यवाही होगी सुनवाई होगा उसके फैसले से पहले अगर को फैसला शिंदे गुट के, कर कर के, के, कर कर तो तो के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि उनका दो तिहाई बहुमत भी कम हो जाएगा मेरा आखिरी सवाल दीपक आपसे यही रहेगा बीएमसी चुनाव को लेकर बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे लगातार दावा कर रहे हैं कि आज ही अगर चुनाव हो जाए तो डेढ़ दशकों का रिकॉर्ड हम कायम रखेंगे यानी कि डेढ़ दशकों से बीएमसी पर उद्धव ठाकरे का कब्जा है लेकिन तब महाराष्ट्र में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आए थे उन्होंने कहा था कि इस बार बीजेपी डेढ़ पार लेकिन बीजेपी की अगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि शिंदे का समर्थन उनके साथ है ना ही सिर्फ शिंदे बल्कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उनके साथ है क्षेत्रीय पार्टियां भी उनका समर्थन कर रही है और कई सारे एनसीपी के कांग्रेस के नेता भी जो बीजेपी की तरफ रुख दिखा रहे हैं शिंदे गुट की तरफ रुख दिखा रहे हैं राज ठाकरे का रुख देखिए अगर बात करें राज ठाकरे अकेले चलना पसंद करते हैं राज ठाकरे हमेशा से ही अकेले की राजनीति करते हैं वो किसी के आगे ना तो झुकते हैं ना किसी को यहां पर अपने समक्ष कहते हैं कि आप हमारे समर्थन में आए तो राज ठाकरे का यह फैसला रहता है इसीलिए अभी तक शिंदे और बीजेपी

आखिरकार इस बार बीएमसी पर किसका कब्जा होगा आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हैं फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज धन्यवाद